जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के भारतीय जनता पार्टी के वादे पर भारत को चेतावनी दी है। महबूबा ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 पर यदि हिंदुस्तान के लोग नहीं समझे तो वे मिट जाएंगे और इतिहास में उनका जिक्र तक नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती के बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने महबूबा मुफ्ती को करारा जवाब दिया है। विज ने कहा, हिंदुस्तान को मिटाने वाले आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और जो ऐसी बात कर रहे हैं वो खुद मिट जाएंगे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो और चाहे फारूक अब्दुल्ला। ये दोनों कांग्रेस की शह पर धारा 370 को लेकर बोल रहे हैं। कांग्रेस धारा 370 को बरकरार रखना चाहती है और भाजपा इसे हटाना चाहती है, क्योंकि इस धारा ने भारत को कश्मीर से कभी जुड़ने नहीं दिया और ये देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बोए हुए बीज हैं जिन्हें कांग्रेस दोबारा हवा पानी देकर बड़ा कर रही है। हिंदुस्तान को मिटाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ और जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो खुद मिट जाएंगे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो। और ये दोनों जो आज धारा 370 को लेकर बोल रहे हैं, ये कांग्रेस की शह पर बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि हम धारा 370 बरकरार रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम धारा 370 को हटाएंगे। फैसला जनता को करना है कि जनता क्या चाहती है, कि 370 रखा जाए या 370 को हटाया जाए। धारा 370 वो धारा है जिसने आज तक कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ ठीक ढंग से जुड़ने नहीं दिया और ये पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बोए हुए बीज हैं जो जिनको कांग्रेस आज पुनः हवा और पानी देकर बड़ा करना चाहती है। विज ने जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों पर भी बड़ा बयान दिया। विज ने कहा कि ये आतंकवादियों की नर्सरी हैं, इन्हीं में से आतंकवादी बनते हैं और इनके साथ ऐसे ही बर्ताव किया जाए जैसे आतंकवादियों से डील किया जाता है। विज ने साफ किया कि किसी अलगाववादी को कोई ढील नहीं मिल सकती और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला अपना अलगाववाद का पाठ ज्यादा दिन पढ़ा नहीं सकते। देखिए, ये जो पत्थरबाज हैं ये आतंकवादियों की नर्सरी है, इन्हीं में से कल को आतंकवादी बनते हैं। ये पहले ये उनका प्राइमरी स्कूल मान लिया जाए कि उनका प्राइमरी स्कूल है, तो इनके साथ भी उसी प्रकार डील करना चाहिए जैसे आप आतंकवादियों के साथ डील कर रहे हैं। किसी अलगाववादी को कोई ढील नहीं दी जा सकती और महबूबा मुफ्ती और ये जो फारूक अब्दुल्ला हैं ये अब अलगाववाद का जो अपना पाठ है वो ज़्यादा दिन पढ़ा नहीं सकते। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा की संपत्ति 449% बढ़ने और श्रुति चौधरी की संपत्ति में 548% के उछाल पर विज ने कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस को धन को दुगना और चुगना करने के फार्मूले आते हैं, इसलिए ये चौकीदार को लेकर शोर मचाते हैं। इन्हें अपने फार्मूले उजागर करने चाहिए कि ये कैसे अपना धन दिन दुगना और रात चुगना कर लेते हैं। भाई, कांग्रेस को धन कैसे दिन दुगना रात चुगना बढ़ाना है इसके फार्मूले आते हैं, इसीलिए ये चौकीदार को लेकर शोर मचाते हैं। चौकीदार की चिंता तो उसी को ही होती है, क्योंकि जो इस प्रकार से जिनको धन बढ़ाने आते हैं तो इनको ये उजागर करने चाहिए कि इनके पास कौन से फार्मूले हैं, कौन से तरीके हैं इनके पास, ये जो दिन दुनी रात दुनी धन इनका बढ़ता जाता है।